सुशांत सिंह राजपूत केस में फंसता जा रहा है पेज, अब ड्रग्स की एंट्री। ईडी ने सीबीआई को दी नशीली दवाओं के साथ रिया के कनेक्शन की जानकारी। ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी करेगा जांच। एनसीबी के डायरेक्टर ने आज तक को दी जानकारी। रिया के व्हाट्सएप चैट से खुलासा। ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत, मिरांडा ने लिखा था माल लगभग खत्म हो गया है। सामने आया रिया और उसकी दोस्त श्रुति मोदी का व्हाट्सएप चैट, जिसमें सुशांत ने किया वीड छोड़ने और दवा लेने का वादा। रिया के वकील का दावा, कहा रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है, ब्लड टेस्ट के लिए तैयार। चिट्ठी विवाद पर कांग्रेस आलाकमान का नरम रुख। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने किया था गुलाम नबी आजाद को फोन। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का बयान, सोनिया गांधी ने साल भर पहले ही गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुनने को कहा था। कांग्रेस में शांति के संदेश के बीच फिर से घमासान के संकेत। कपिल सिब्बल का ट्वीट, पद नहीं देश अहम। दिग्विजय सिंह ने कहा कांग्रेस में सब ठीक ठाक। अररिया में अंग्रेज जमाने का पुल बहा, 12 लोगों के लापता होने की आशंका। पुल के साथ ट्रैक्टर और ऑटो भी बहा। हादसे के बाद लोगों की लगी भीड़। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से दर का पहाड़, एक महिला समेत 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत। तो रामबन में भूस्खलन से हाल बेहाल, हाईवे पर आया मलबे का अंबार। यूपी के 18 जिले बाढ़ की चपेट में, करीब 1000 गांवों में घुसा पानी। देश में कोरोना की डराती रफ्तार, 24 घंटे में 61,000 नए मरीज, 31,67,000 के पार कुल मामले। 24 घंटे में करीब 850 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में अब तक 24,00,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। 75% हुई रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस, 329 लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में 4,600 से ज्यादा नए मरीज, 1,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पाक से आए थे बारूद हथियार, कोर्ट ने 11 साल बाद 10 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा। पाकिस्तान से आए बारूद और हथियारों के मामले में कोर्ट ने 11 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल राजस्थान से लगती पाकिस्तानी सीमा से सितंबर 2009 में आरडीएक्स हथियारों सहित बड़ा जखीरा बरामद हुआ था। एजेंसियों ने तस्करों को 15 किलो आरडीएक्स, 12 विदेशी पिस्टल और 1,000 कारतूस के साथ किया था गिरफ्तार। पूरे मामले में 4 अन्य आरोपी भी हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तानी कुख्यात तस्कर फोटिया और आलिया फरार होकर पाकिस्तान चले गए, वहीं 2 बब्बर खालसा के आतंकी विदेश में फरार हो गए।